हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगल फेज का कंप्रेसर है अपना डोमेस्टिक यूज में जो होता है या फ्रिज है, तो उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर हम मेंशन किए हुए हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है। तो अभी हम आपको थ्योरी भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इजी, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इजी है, पर देखिए, आर मतलब हो गया रनिंग, सी मतलब हो गया कॉमन, एस मतलब हो गया स्टार्टिंग, एस सिंबल हो गया रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रनिंग टू स्टार्टिंग, देख रहे हैं ना, ये थ्योरी है। खास करके इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, और आपको पर्सनली काम के लिए भी आपको इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तो आपको ये याद रखना होगा। रनिंग रनिंग टू स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टू कॉमन, रनिंग टू कॉमन, ये चीज़ जो फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद है तो आप काम भी अच्छे से कर सकते हैं और क्लाइंट के सामने आप इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। तो ये तो आपको कंपलसरी याद रखना होगा अगर आप एसी का काम करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, रनिंग टू स्टार्टिंग जब आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी में सेट करके किलोमीटर में, तो आपको हाई ओम्स आएगा, रेजिस्टेंस जो है हाई आएगा। दूसरा, स्टार्टिंग से कॉमन चेक करेंगे तो मीडियम ओम्स आएगा, और फिर रनिंग से कॉमन जब चेक करेंगे तो लो ओम्स आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास सिंगल फेज का कंप्रेसर है, तो आपके पास कितना टर्मिनल निकला रहता है, 1 2 3 टर्मिनल आपको मिलता है, तो ठीक है। तो अभी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खुद से हम इसको ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम अपने खुद से मान सकते हैं, अभी हमको रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं मालूम है। तो ए से बी जब आप क्लेम मीटर में चेक करेंगे, तो मान लीजिए आपका वैल्यू आ गया 6.5। ये जस्ट ऐसे हम आपको मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इस तरह का मतलब पॉइंट आता है। खास करके ज्यादातर पॉइंट में ही आता है, चेक करेंगे ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहता है, पॉइंट में ही। फिर ए से सी अगर मान लीजिए आप चेक किए, तो आपका 2.5 आएगा, ठीक है। ये एक मतलब एक सिंबल ऐसी है कि इतना आ सकता है, उदाहरण ले लिए हैं, ठीक है ना। ए से बी चेक के 6.5 आ गया, ए से सी चेक के 2.5 ओम्स आ गया। अब बी से हम सी चेक करेंगे, तो मान लीजिए हमारा 3.9 आ गया बी से सी, ओके। ए बी सी आप टोटल चेक कर लिए, तो हम आपको क्या बताए हैं कि रनिंग से स्टार्टिंग जो है सबसे हाई ओम्स रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सबसे हाई ओम्स किसका है, ए से बी के बीच का जो वैल्यू है सबसे हाई ओम्स दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखिए 6.5 दिखा रहा है, इधर 2.5 है, 3.9 है, ये सब में सबसे ज्यादा 6.5 ये है। तो मतलब रनिंग से स्टार्टिंग जो हो गया, ये रनिंग या स्टार्टिंग दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का हाई ओम्स है, ठीक है। तो रनिंग और स्टार्टिंग जब ये दोनों होगा, तो तीसरा कौन पॉइंट बच रहा है, कॉमन। ये हमारा हो गया कॉमन, मतलब रनिंग स्टार्टिंग दोनों अगर ये है तो ये हमारा कॉमन है, तीन ही पॉइंट हमारे पास, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। जब दो मिल गया तो एक बचा कॉमन। तो अब देखिए आपकी कॉमन से रनिंग का वैल्यू क्या होता है, कॉमन से स्टार्टिंग का वैल्यू क्या होता है। तो अभी हम आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। कॉमन तो निकल गया, अब रनिंग पता करना है, स्टार्टिंग पता करना है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि कॉमन से रनिंग जो होता है, रनिंग से कॉमन या कॉमन से रनिंग दोनों सेम ही है। रनिंग से कॉमन सबसे लो ओम्स रहता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से कॉमन मीडियम ओम्स रहेगा, मतलब सबसे लो जो रहेगा वो रनिंग रहेगा। तो इसमें सबसे लो कौन आ रहा है, ये कॉमन, ये आपका सी से ए जब हम चेक कर रहे हैं तो सबसे कम आ रहा है, मतलब कि ये तो कॉमन हमारा पहले से है और ये रनिंग हो जाएगा। तो मतलब ये रनिंग से कॉमन हमारा सबसे कम है, और उसके बाद देखिए ये 2.5 से ज्यादा है, 3.9, ठीक है। तो अभी हम कॉमन से जब स्टार्टिंग चेक करेंगे तो हाई ओम्स आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग, ये हो जाएगा रनिंग, ये ऑलवेज हमारा कॉमन निकल गया। मतलब आपको हाई ओम्स वाला सबसे पहले चेक करना है, अगर हाई ओम्स आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको कॉमन मिल जाता है। अब कॉमन से आप चेक करेंगे, सबसे जिसका कम ओम्स रहेगा वो आपका रनिंग हो जाएगा और ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। अब एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, ये थ्योरी से तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। एक और ऑप्शन है, ए से बी जब हम चेक करते हैं, ए से बी चेक किए तो हमारा कितना आया, 6.5, ठीक है ना। अभी उसके बाद ए से सी चेक किए,
ए से सी चेक किए 2.5 आया। ओके अभी हम क्या बोलते हैं अपना बी से सी चेक किए, बी से सी है ना यहाँ पे, बी से सी चेक किए 3.9 आया। ओके तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को हम अप्लाई अप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है 6.5 सबसे ज्यादा है, तो 6.5 रनिंग से स्टार्टिंग होता है ना, सबसे हाई ओम्स रनिंग से स्टार्टिंग, ये हो गया रनिंग से स्टार्टिंग सबसे हाई ओम्स, इसके सामने हम बैठा दिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। ओके सेकेंड आपका क्या मिल रहा है, मीडियम ओम्स, तो मीडियम ओम्स तो आपका ये है मतलब स्टार्टिंग से कॉमन, तो हम इसको मान लीजिए कॉमन से स्टार्टिंग या स्टार्टिंग से कॉमन, ठीक है हम स्टार्टिंग से कॉमन इसको ले लिए क्योंकि ये मीडियम ओम्स है। बी से सी, ए से सी सबसे लो ओम्स, लो ओम्स का क्या है आर टू सी, तो ये हम आर से सी ले लिए, ठीक है ना। अभी इजी देखिए अभी कैसे आपको निकलेगा, ठीक है ना। अभी यहां पर आपको देख रहे होंगे कि इसमें ए और ए मिल रहा है, इसमें आर और आर मिल रहा है, तो ए और ए हम मिला लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है आर और आर मिला लेते हैं, तो ए बराबर हमारा क्या आ गया रनिंग। ओके क्योंकि अभी देखिए ए बराबर यहां पर रनिंग है ऑलरेडी, लेकिन हम ए बराबर क्या निकाले, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, मतलब ए ए और ए इसमें मिल रहा है, आर आर इसमें मिल रहा है, तो ए ए ऐसे कर दिए और आर आर ऐसे कर दिए, तो ए बराबर आर हो गया। अब दूसरा इसमें देखिए, इसमें सी मिल रहा है, इसमें भी सी मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें सी है, इसमें सी है, ओके मिला देते हैं, ये सी और सी मिला दिए। इधर देखो कौन सा मिल रहा है साथ में, ये सी और सी आपस में मिल रहा है, मतलब ऊपर में भी सी है, नीचे में सी है, ये सी सी मिल रहा है, मतलब सी बराबर कॉमन। देखो सी बराबर हमारा क्या है ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, तो आप ये तरीका से भी निकाल सकते हैं। अब बचा बी यहां पे ऊपर में और बी नीचे में, ठीक है, ए से यहां ऊपर में है, ए से यहां नीचे में है, ठीक है, इसको आप मान लो बी बराबर स्टार्टिंग, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इजी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालने के लिए। और चलिए अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कितना कितना पॉइंट आएगा, ये दोनों थ्योरी पे हम आपको करके दिखाएंगे कि आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए हम देखते हैं अभी हम प्रैक्टिकल करके। हाँ दोस्तों, तो अभी ये मेरे पास टैग भी है, मैं आपको टैग से भी दिखाऊंगा कि अपना रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन सा है, लेकिन पहले आपको थ्योरी के हिसाब से मैं निकाल देता हूँ। तो अभी मान लीजिए जैसा मैंने आपको थ्योरी में बोला, मानने के लिए इसको ए मान लेते हैं, ये वाले को ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो हम ए से बी चेक करेंगे, तो ए से बी हम चेक कर रहे हैं, तो आप किलोमीटर में देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4.1 आ रहा है बन्ना। अब ए से सी चेक करेंगे, तो ए से सी चेक कर रहे हैं तो 1.3 आ रहा है, ओके बन। अब हम इसके बाद बी है, ये वाला बी माने हैं, बी बी से सी चेक करेंगे, तो बी से सी चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 2.7। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वो ऊपर नीचे एक पॉइंट होता है, वो मुश्किल नहीं है, तो 2.6 आ रहा है मेरा बी से सी 2.6। हाँ दोस्तों, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रनिंग से स्टार्टिंग सबसे हाई ओम्स होता है, तो इसमें सबसे हाई ओम्स किसका आया है, ए से बी में, तो इसको बैठा दीजिए रनिंग से स्टार्टिंग। फिर उसके बाद मीडियम ओम्स, तो मीडियम ओम्स इसमें 2.6 है बी से सी, तो मीडियम ओम्स किसका है स्टार्टिंग टू कॉमन, ठीक है स्टार्टिंग टू कॉमन। उसके बाद सबसे लो 1.3 है, तो लो ओम्स किसका होता है, रनिंग से कॉमन का लो ओम्स आता है, रनिंग से कॉमन का लो ओम्स आता है, ठीक है। अब हम इसको देखिए सेम फार्मूला पर हम ले आते हैं, ए ए कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पे आर आर मिल रहा है, तो ए बराबर हमारा क्या हो गया आर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं इस लाइन में सी है, इसमें सी है, ये बी है, ये नहीं मिल रहा है, ये सी और सी मिल रहा है आपस में, तो सी और सी इसमें मिला दिए इस, और उसके बाद इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी सी और सी आपस में मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सी बराबर हमारा हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग, ये हो गया कॉमन,
ये सी मतलब कॉमन, आर मतलब रनिंग, ठीक है। अब हमारा जो बचा दूसरा बी बचा, तो बी हमारा ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग, क्योंकि रनिंग कॉमन निकल गया तो एक स्टार्टिंग बचा। ऐसे भी देखिए बी यहाँ पे है ऊपर वाले में, नीचे वाले में बी है, यहाँ पे स्टार्टिंग ऊपर वाले में है, यहाँ पे नीचे पे स्टार्टिंग है, तो बी बराबर हो गया स्टार्टिंग। तो ये तो आप थ्योरी के हिसाब से निकाल लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जस्ट नाउ बिना कॉपी कलम का आपको हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए अब आप टैग आपको दिखाते हैं, टैग के जरिए कि आपको सेम मिल रहा है कि नहीं। कहीं कहीं आपको टैग नहीं मिलेगा तो दिक्कत होता है। अब देखिए ये टैग में देख रहे हैं ना, यहाँ पे रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, तो ये वाला हम बी माने थे, तो बी बराबर हमारा स्टार्टिंग निकला है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है। देखिए एस लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग है, ये हमारा आपको दिख पा रहे होंगे, तो ये रनिंग है, ये हमको ए माने थे, तो ए बराबर हमारा रनिंग आया है। देखिए यहाँ वीडियो में ए बराबर रनिंग आया है, बी बराबर स्टार्टिंग आया है, ए बराबर रनिंग, बी बराबर स्टार्टिंग, आई एस सी हमारा कॉमन है, तो ये हमारा ये कॉमन आ गया है। तो ये तो आप देख लिए कि थ्योरी के हिसाब से भी आपका निकल गया। अब डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सबसे इसमें देखिए एक बार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आप चेक करेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो सबसे देखिए इसमें सबसे हाई ओम्स किसका आ रहा है, ये 4.3.98 4.0, ये 1 पॉइंट इधर उधर होते रहता है। फिर इसके बाद इधर चेक किए कितना आ रहा है, 1.32 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है। मतलब कुल मिला करके ये दोनों में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे दोनों ज़्यादा जो 3.8 जो भी है 3.7, तो सबसे ज़्यादा किस में आता है आपका, सबसे ज़्यादा आपका रनिंग से स्टार्टिंग में आता है। तो मतलब ये रनिंग और ये स्टार्टिंग होगा, दोनों में से कोई अभी हमको मालूम नहीं है, रनिंग टू स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा हाई ओम्स होता है। तो ये बच गया आपका कॉमन, ये पॉइंट कॉमन हो गया। तब कॉमन से चेक कर लीजिए, तो कॉमन से चेक कर रहे हैं तो 1.4 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये आपका 2.7 आ रहा है, ठीक है। तो अभी सीधा आप इसे सोच सकते हैं कि रनिंग टू कॉमन सबसे कम ओम्स होता है, तो मतलब ये वाला रनिंग हो गया, ये कम ओम्स आ रहा है ना, ये तो कॉमन है, ये रनिंग हो गया, तो सबसे कम ओम्स इसमें आ गया, सबसे लो है, और ये थोड़ा हाई है, तो मीडियम हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये रनिंग हो गया, ये रनिंग फाइंड आउट हो गया, और ये वाला जो है आपका थोड़ा मीडियम, ये स्टार्टिंग फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से आप रनिंग कॉमन स्टार्टिंग इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो जैसा तो आपने देखा कि अभी हम प्रैक्टिकल में भी करके दिखाएं कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इजी निकल गया, ये थ्योरी दोनों हम थ्योरी पर आपको हम बता दिए, इस पर भी निकाल के दिखाएं और ये पर भी आपको क्लियर करके दिखा दिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, HVAC, चीलर से रिलेटेड जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम दोनों वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो और बहुत सारा इसमें इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हम तैयारी कराते हैं, तो आपको सीखने को मिलेगा। चलिए फिर दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। चलिए फिर अपना ख्याल रखें।